तो स्वागत है आप सबनों मारी चैनल पर। तो मित्रों आ छे अंग्रेजी ने पेपर धोरण 9 प्रथम परीक्षा। तो मित्रों आप जुए सौथी पहला सवाल छे, व्हाट डीड ऑल द मेम्बर्स ऑफ द ट्राइब डिसाइड। बराबर, ट्राइब एटले लोकना गामना जे लोको छे ते लोको शू नक्की कर्यु। तो आंसर लखवानो, द मेम्बर्स ऑफ द ट्राइब डिसाइडेड टू ड्राइव अवे एडी फ्रॉम देयर विलेज फॉर एवर। तो आ पहेलो सवालनो जवाब आवशे। बराबर, बीजो सवालनो जवाब जोई लीए आपणे, व्हाट डीड सहनो डू फॉर ध कब्स। सहनो शू कीधुं, तो सहनो टूक ध कब्स ऑन हिज शोल्डर एंड रिटर्न धेम। ओके, सहनो टूक ध कब्स ऑन हिज शोल्डर्स एंड रिटर्न धेम। ओके, आ प्रमाणे आपणे जोई लीए बीजा सवाल जोई लीए, तीजा अने चौथा। प्रश्न नंबर 3 छे, व्हाट कूड सोनिया डू, व्हाट कूड सोनिया नॉट डू ड्यू टू पेन, के सोनिया शूँ ना करी सकी दुखावना कारण। बराबर, तो शी कूड नॉट ईट, नॉर कूड सी गो टू स्कूल, ओके एंड शी कूड नॉट स्टडी एट होम। आ 3 वस्तु करी सकी नहीं। तो सोनिया कूड नॉट ईट, शी कूड नॉट गो टू स्कूल और शी कूड नॉट स्टडी एट होम, आ प्रमाणे। बराबर, ये प्रमाण आप जुए। नेक्स्ट, व्हाट डीड अंकल अशोक एडवाइस सोनिया। अशोक अंकले शूँ एडवाइस करू, तो अशोक अंकल एडवाइस सोनिया डेट वी मस्ट विजिट अ डेंटिस्ट, आ एडवाइस आपी। बराबर ने, नंबर 5 जुए, वाई डीड द जर्मन लेडी केम टू स्टे विथ मोहन फेमिली, शा माटे आवे छे। बराबर, तो आंसर आवशे टू लर्न म्यूजिक फ्रॉम हिज फाधर। तो द जर्मन लेडी केम टू स्टे विथ मोहन फेमिली बिकॉज सी वॉन्टेड टू लर्न म्यूजिक फ्रॉम हिज फादर। नहीं तो मोहन्स फेमिली टू लर्न म्यूजिक फ्रॉम हिज फादर, डायरेक्ट बैठन बैठे लखी दे तो भी राइट है। बराबर, आगे जुए आप, मोहन बिगेन हिज डैश विथ अ ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंट, मोहन बिगेन हिज एक्सपेरिमेंट, शू आवशे एक्सपेरिमेंट, मोहन बिगेन हिज एक्सपेरिमेंट विथ द ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंट। ओके, आगे जुए। नेक्स्ट, हाउ मेनी, मित्रों जयरे हाउ मेनी आपेलू हो तो आप संख्या आप, हाउ मेनी स्टोरी आर देर, तो के स्टोरी आपेलू है। बराबर, 7 स्टोरी, आंसर आप 7। डिस्क्राइब द ईस्ट फेसिंग स्टेपवेल, ईस्ट फेसिंग स्टेपवेल केव है, तो द ईस्ट फेसिंग स्टेपवेल इज 64 मीटर्स लॉन्ग, 20 मीटर्स वाइड एंड 27 मीटर्स डीप। आ प्रमाण, सोनिया हेड ए कैविटी इन हर मोलार, सोनिया डेट में मोलार कैविटी, तो आंसर शू आवशे ट्रू। रानी की वार वाव आए इ स्लोली डेडिकेट टू गौरी, तो मित्रों अँ फॉल्स आवश्यक बहुत ग्रांड डेडिकेट करे। ओके, प्रमाण में तुम जी लो अँ के आए। बराबर, राइट राइमिंग वर्ड इन द स्टेन्जा, राइमिंग वर्ड शू आ मे एंड ग्रे। बराबर, आ प्रमाण ते जी ले। बराबर, ओके, आग जुए, वॉट डज द पोएट रिफर ही सेज हु क्लोड इन ग्रे, एट्ले से फार्मर, F A R M E R, फार्मर। ओके, आगे जुए आप। नेक्स्ट, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, हु एट व्यक्ति नाम आपवानुं, तो एब्राहम लिंकन, आंसर शू आवशे मित्रों एब्राहम लिंकन। आगे जुए, हुम डीड एब्राहम लिंकन लव, एब्राहम लिंकन ने कोने प्रेम करतो। बराबर, तो चिल्ड्रन, हुम तो एब्राहम लिंकन लव्ड चिल्ड्रन। नेम द प्लेस वेर अमेरिकन प्रेसिडेंटली, अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या रहे छे। बराबर, तो आपने खबर छे व्हाइट हाउस, अमेरिकन प्रेसिडेंट लीव्स इन व्हाइट हाउस। आगे जुए, व्हाट डीड द गर्ल एक्सक्लेम्ड, छोकरीए शू एक्सक्लेम कर्यु, तो द गर्ल एक्सक्लेम्ड हेट ओ पापा ही इजंट अग्ली एट ऑल, ही इज जस्ट ब्यूटिफुल, इज जस्ट ब्यूटिफुल। ए प्रमाण, चलो, व्हाट इज दिस डेटा, दिस डेटा इज ऑफ एप्लिकेशन। ओके, तो एम पर लखी छो कि एप्लिकेशन फॉर स्कॉलरशिप, व्हाट इज दिस डेटा, दिस डेटा इज फॉर एप्लिकेशन फॉर स्कॉलरशिप। आगे जुए, व्हाट इज रिया स्कोर इन स्टैंडर्ड 8C, केटलो मार्क्स आवे तो 85%, तो रिया स्कोर्स इन 8C इज 85%। आगे, व्हाट इज द इनकम ऑफ रियाज फादर, रियाना फाधर इनकम के लिए 20,000 रुपीज पर मंथ। ओके, आंसर के लखवा है, द इनकम ऑफ रियाज फाधर इज 20,000 रुपीज पर मंथ। रियाज फाधर इज एन, रियाना फाधर शू है, रियाज फाधर इज एन एकाउंटंट,
ओके एकाउंटंट है बराबर। ओके आगे जाइए सेक्शन सी। मित्रों आम एकदम ईजी है, यूजुअली एटले फ्रीक्वंसी आप याद रखें, फ्रीक्वंसी कैन एट एबिलिटी है, आम कैपेबिलिटी मस्ट एटले नेसेसिटी। ओके मित्रों तो आ प्रमाणे आपणे जोई लीधुं। आगळ जाइए, डॉग इज एंग्री पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी एटले मे आवशे, मे वारो अहींया एक ज छे बराबर। फ्रीक्वंसी एटले ऑलवेज, नेवर यूजुअली वारो आवशे तो ऑलवेज वारो एक ज छे। हाँ मित्रों ओके ओके आगळ जोईए आपणे, ध सन डेस बिहाइंड ध हिल्स, द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड ध हिल्स, सून ध डेस कवर्ड, सून ध डार्कनेस कवर्ड ध ग्रास, ध फ्लावर्स एंड ध ट्रीज, ध विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग, बराबर ए प्रमाणे आवशे। चलो एविडेंस एटले शुं आवशे मित्रों, प्रूफ, फ्लॉक एटले पीपल। ओके मित्रों आ प्रमाणे आपणे जोई लीधुं, हवे अहींया जॉइन ध सेंटेन्स। शी राइट्स हिंदी, शी डजंट राइट इंग्लिश। ओके शी राइट्स हिंदी बट शी डजंट राइट इंग्लिश, हिंदी लखे छे पण अंग्रेजी लखती नथी। आगळ जोईए, आई केन रीड, आई केन राइट, आई केन रीड एंड राइट, शू आवशे, आई केन रीड एंड राइट। ओके तो एंड आवशे आंसर। हवे ऑल द स्टूडेंट्स वर स्टेन्डिंग क्वाइटली इन अ क्यू बट वन बॉय वॉज लुकिंग अराउंड एनेक्सियसली, हिज फ्रेंड टैप्ड जेंटली, बधुं में एलवेयर आवशे मित्रों। ओके હવે અહીં આપણે જોવાનું છે, આઈ એમ ઇન ઇન્ડિયન ટુ વી આર, એક વચનનું બહુવચન, તો વી આર એન ઇન્ડિયન, વી લવ અવર કન્ટ્રી, વી આર પ્રાઉડ ઓફ ઇટ્સ હેરિટેજ, એ પ્રમાણે આવશે મિત્રો। ફરીથી કહું છું તમને કેવી રીતે લખવાનું રહે। ઓકે વી આર ઇન્ડિયન્સ, વી આર ઇન્ડિયન્સ, વી લવ અવર કન્ટ્રી, વી આર પ્રાઉડ ઓફ ઇટ્સ હેરિટેજ। ઓકે આ પ્રમાણે મિત્રો, જ્યારે પણ કોઈ પણ વ્યક્તિનું નામ હોય ને આગળ હોય તો હુ વાળું જોઈ લેવાનું, આ આ આન્સર એટલે વસ્તુ એટલે વોટ વાળું જોઈ લેવાનું મિત્રો। વય એટલે કારણ, આ કારણ નથી આપેલું, વેર એટલે સ્થળ, સ્થળ પણ નથી આપેલું, તો આન્સર એટલે વસ્તુ છે તો જોવાનું વોટ। હવે વોટ આપણે જોયું તો આ સ્પોક એટલે ભૂતકાળ છે, આ ડઝ કે ડીડ ભૂતકાળ વાળું શું છે તો એ આન્સર આવશે બરાબર। સ્લોલી કેવી રીતે, તો એલવાય વાળું જોઈ લો ને એટલે હાવ જોવાનું, હાવ વાળું બે છે। ઓકે ડુ અને ડઝ પાછું જોવાનું, આ વોક એટલે ભૂતકાર તો આવશે બરાબર। ઓકે મિત્રો ઓકે આ પ્રમાણે આપણે જોઈ લીધું, તો મિત્રો વિઝિટ ટુ અ ડેન્ટિસ્ટ તમે ગયા પણ હશો તે પ્રમાણે ટાઈગર અને આ પિક્ચર ડિસ્ક્રિપ્શન 10 સેન્ટેન્સ, તો સૌથી પહેલાં ડીઝ અ પિક્ચર ઓફ અ ડાઇનિંગ રૂમ, અ ડ્રોઈંગ રૂમ, પહેલો પિક્ચર ડીઝ અ પિક્ચર ઓફ અ ડ્રોઈંગ રૂમ, ધેર ઇઝ અ ક્લોક ઓન ધ વોલ, ધ ફેમિલી ઇઝ વોચિંગ ટીવી। ઓકે બીજું શું જોવાનું, ધેર ઇઝ અ ટેબલ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ધ ટીવી, ધ ટીવી ઇઝ ઓન, ધેર ઇઝ અ કર્ટન ઓન ધ વિન્ડો, ધેર ઇઝ અ એસી, પછી થ્રી પીપલ આર સિટિંગ ઓન ધ સોફા, અ ગર્લ ઇઝ સિટિંગ બિટવીન ટુ પીપલ, ધેર ઇઝ અ બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ પિક્ચર, આઈ લાઈક ધીસ પિક્ચર વેરી મચ। ઓકે ધેર ઇઝ અ રિમોટ કંટ્રોલ ઓન ધ ટેબલ, દેર ઇઝ અ ન્યૂઝ પેપર ઓન ધ ટેબલ, ધ રૂમ ઇઝ વેરી ક્લીન, આ પ્રમાણે તમે ગમે ત્યારે વાક્ય બનાવી શકો। થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ, આવા જ મિત્ર માટે, આવા જ વિડીયો માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો। થેન્ક યુ।